आज हम लोग अध्ययन करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में कि वैदिक कालीन शिक्षा के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, विशेषताएं क्या थी और साथ ही साथ इस प्रणाली के डीमेरिट्स या दोष क्या थे। तो सबसे पहले हम विशेषताओं को जानते हैं। जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी वो पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा थी। इसमें छात्रों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था। उस समय शिष्यों के पास आवास, भोजन, वस्त्र, जो कपड़े पहनते थे या इत्यादि की जो व्यवस्था होती थी वो निःशुल्क होती थी इस समय। और इसकी पूर्ति जो राजा लोग होते थे या धनी लोग होते थे वो दान देते थे, या फिर जो छात्र अपने गुरुकुल से निकलते थे वो गुरु दक्षिणा देते थे उससे होता था, या फिर छात्र जो होते हैं भिक्षाटन करने जाते थे और वहाँ से जो उनको मिलता था उसी से व्यवस्था, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था चलती थी। तो ये पूरी तरीके से निःशुल्क प्रणाली थी। दूसरा है व्यापक पाठ्यचर्या। व्यापक पाठ्यचर्या, काफ़ी जो बृहद पाठ्यचर्या जो होती है वो वैदिक कालीन शिक्षा में थी। वैदिक काल में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता था। मतलब उसका प्राकृतिक विकास करना है जो नेचुरल है, साथ ही साथ उसका सोशल विकास करना है और साथ ही स्पिरिचुअल, तीनों पर बल दिया जाता था। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में अपरा तथा परा दोनों प्रकार के विषयों को स्थान दिया जाता था। याद रखिएगा, अपरा और परा की बात इसमें की जाती थी। अपरा मतलब होता है, अपरा मतलब होता है जो हम यहाँ पर भौतिक जगत में जो सब्जेक्ट होते हैं, और परा का मतलब होता है आध्यात्मिक जगत, अर्थात जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अपरा मतलब भौतिक जगत, मतलब कि सिलाई कढ़ाई का काम है या कोई भी शारीरिक श्रम से रिलेटेड वर्क है, शारीरिक कौशल है, चिकित्सा विज्ञान है, इस तरह का जो है वो अपरा में बोला जाता था। और परा में जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती थी, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बच्चे जो होते हैं जिन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता था वो लौट आते थे, और जिन्हें नहीं लौटना होता था वहीं आश्रम में रहते थे और आगे की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ऐसे लोग जाके कंदराओं में या गुफाओं में अपना योगा करते थे और समाधि लगा लेते थे, और उनकी जीवन का एक ही एम होता था मोक्ष की प्राप्ति करना। उसके बाद हम देखते हैं विद्यारम्भ संस्कार की बात करते हैं। विद्यारम्भ संस्कार जो होता है, बच्चों का विद्यारम्भ संस्कार किया जाता था। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कोई स्पेशल ये नहीं था, लेकिन बच्चों को सरस्वती माता के सामने बैठा करके और ओम भूर्भुवः मंत्र का जो होता है पाठ किया जाता था, और उस समय से बच्चे को कलम दिखाया जाता था और उन्हें पढ़ने का पाठ कराया जाता था। विद्यारम्भ संस्कार लीजिए। उसके बाद उपनयन संस्कार है। जब देखिए, ये जो है प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब प्राथमिक शिक्षा से है, और उपनयन संस्कार हाई जो होती है, उच्च बोल सकते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड हो सकती है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या किया जाता था, बच्चे जो होते बड़े हो जाते थे तब उनका उपनयन संस्कार किया जाता था, और उपनयन संस्कार के पश्चात उपनयन संस्कार में उनको कुछ ज्ञान की बातें बताई जाती थी, और इसी उपनयन संस्कार के बच्चे जो होते हैं, इस उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चे जो होते हैं गुरुकुल प्रणाली में प्रवेश करते थे। तो ये उपनयन संस्कार बहुत ज़रूरी है, इसके शॉर्ट नोट्स भी आता है, इसको आप लर्न कर लेंगे। उसके बाद समावर्तन संस्कार, जब बच्चे वहाँ चले जाते थे और उनका एजुकेशन जो होता है ख़त्म हो जाता था गुरुकुल में, तो जब एजुकेशन ख़त्म हो जाता था उसके बाद बच्चे अपने घर लौटते थे। तो जो घर लौटना, समावर्तन का मतलब होता है सम प्लस आवर्तन, मतलब कि बच्चों का घर लौटना, यानी जब वो एजुकेशन प्राप्त कर लेते थे और जब अपने घर लौटने वाले होते थे तो उसको हम समावर्तन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ आकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। तो समावर्तन संस्कार था, इस समय उनको बताया भी जाता था कि जब आप घर जाएंगे तो आपने जो भी एजुकेशन यहाँ से ग्रहण किया है उसका स्वाध्याय करिएगा, साथ ही साथ इस एजुकेशन का आप समाज में यूटिलाइजेशन कीजिएगा। तो ऐसे लोग जो गुरुकुल प्रणाली से आते थे वो बच्चों को विद्यारम्भ संस्कार के बाद जो बच्चे होते थे उनको पढ़ाने का काम भी करते थे। विद्यालय भवन जो होता है प्रकृति के सुदूर क्षेत्रों में होता था। जो विद्यालय भवन बिल्डिंग जो होती है होता था, वहाँ झरने होते थे और काफ़ी शांत माहौल होता था जिससे पढ़ने का माहौल अच्छा होता था। गुरुकुल प्रणाली वही विद्यालय भवन जो होंगे एकदम प्रकृति के एकांत क्षेत्र में होंगे और बच्चे वहाँ जाते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। देन गुरु शिष्य संबंध जो होता है पिता और पुत्र जैसा था और काफ़ी अच्छा था, क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध बहुत अच्छा माना जाता था और जो भी गुरु बोलते थे शिष्य उनकी आज्ञा का पालन करते थे। छात्र जीवन संबंधी नियम जो होते हैं थोड़े से कठोर थे, क्योंकि बच्चों को सुबह में उठना था, शौच आदि से निवृत्त होकर भिक्षाटन करना था, फिर गुरु माता के लिए वो लकड़ी जंगल से बीन कर लाते थे, फिर दोपहर में पढ़ाई करते थे और शाम में फिर वो भिक्षाटन करते थे। तो इस तरह से छात्र जीवन जो होता है काफ़ी
थोड़ा सा कठोर था। उसके बाद बाह्य नियंत्रण से मुक्ति थी, शिक्षा पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई राजा जाके बोल रहा कि आप ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई, जानते हैं संस्कृत भाषा की पढ़ाई ज़्यादा होती थी। शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई, जो नीची निम्न जाति के लोग थे उनकी शिक्षा की उपेक्षा की गई। कठोर अनुशासन था, अभी मैंने बताया कि कठोर नियम था बच्चों के लिए, जो उनके लिए काफ़ी असहनीय कभी कभी हो जाता था। स्त्री शिक्षा का कोई बात नहीं किया गया, स्त्री शिक्षा की बिल्कुल ही उपेक्षा की गई थी। इसमें रटंत प्रणाली थी, लिखने की प्रणाली नहीं थी। बच्चों को ओम भूर्वसा या मंत्र जो भी पढ़ाए जाते थे, बच्चे उससे सेम टू रोट लर्निंग ले लेते थे। उसके बाद धर्म पर अत्यधिक बल दिया जाता था इस समय, क्योंकि धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा बल दिया जाता था। आपको वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, इन सभी चीज़ों की पढ़ाई होती थी। आय के अनिश्चित स्रोत से कोई निश्चित सर्टेन वे नहीं था, जैसे एजुकेशन सिस्टम को पैसे मिलते, कभी कभी अगर नहीं मिलते तो ऐसे स्थिति में बहुत गुरुकुल प्रणाली को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। देन हस्तकार्य के प्रति घृणा की बात होती थी। हस्तकार्य जो होता है शूद्र करेंगे या निम्न जाति के लोग करेंगे, तो ऐसे एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया जाता था। सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई थी, केवल यही बोला जाता था कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो इस तरह से हस्तकार्य के सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई थी, भौतिक जीवन की उपेक्षा की गई थी और धर्मनिरपेक्षता की उपेक्षा की गई थी। केवल एक ही धर्म का पालन, कट्टरता का समावेश था, तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की उपेक्षा की गई थी। तो आज हमने जाना है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष क्या हैं, वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं क्या है। इसी के साथ ये समाप्त होता है।